नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। लोकसभा चुनाव के बाद अब जहां विधानसभा चुनाव के आहट हरियाणा प्रदेश में सुनाई देने लगे, तो उसी के साथ कांग्रेस में भी घमासान मच गया। हरियाणा कांग्रेस के अंदर अब नेता एक दूसरे के साथ जूतम पजेर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में किरण चौधरी कहां चूकने वाली थी। एक लंबे अरसे से हुड्डा गुट के आरोपों का सामना कर रही किरण चौधरी अब खुल्लम खुल्ला बगावत करती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर किरण चौधरी ने जमकर हुड्डा गुट को सुनाते हुए, जमकर जो है बगावती नेताओं को सुनाते हुए कई ऐसी बातें बोल दी जो शायद हरियाणा कांग्रेस को, हुड्डा गुट को या फिर कांग्रेस हाईकमान को रास आए। क्या कुछ किरण चौधरी ने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन अब जो है किरण चौधरी की बातों से ये महसूस होने लगा है और राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चाएं फिर जो है दौड़ने लगी हैं कि किरण चौधरी किसी भी समय कांग्रेस छोड़ सकती हैं और भाजपा का दामन थाम सकती हैं। यानी कि शुरुआत से ही हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ाने वाली, कांग्रेस का जो है साम्राज्य स्थापित करने वाले नेताओं में शामिल किरण चौधरी अब कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकती हैं, कांग्रेस का अलविदा कह सकती हैं। ये जो है कयास लगाए जा रही है, सो है चर्चाएं अब राजनीतिक गलियारों में चलनी शुरू हो चुके। पहले आपको सुनवाते हैं कि किरण चौधरी ने किस तरीके से हुड्डा गुट पर जमकर हमला बोला, जमकर धावा बोला और जो है खरी खोटी सुनाते हुए क्या कुछ गुस्से में कह डाला, सुन लीजिए। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से टिकटों का वितरण करा गया वो जो है रंजिशें निकाली गई, षड्यंत्र करे गए कि भाई जो है मार दो, खत्म कर दो, ताकि जो है हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला ना हो। तो ये काम जो है करा गया है और इसी तरह से आगे मुझे नज़र आता है, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर पांच पांच कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने खड़े कर दिए। अब सबको थापी लगा दी है कि भाई तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए। तो जो है टिकट की, पार्टी की टिकट तो एक आदमी को मिलेगी, बाकी जो हैं उनकी महत्वाकांक्षाएँ इतनी बढ़ गई हैं कि वो सारे खड़े होकर 1,000, 2,000, 3,000 जिस लाइक भी होंगे वो उतनी वोटें वो खराब करेंगे, या दूसरी पार्टी जो आएंगी वो उनको पके पकाए जो हैं कैंडिडेट मिलेंगे। तो आने वाले समय में इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नज़र नहीं आता। सब देख रहे हैं, जनता बहुत समझदार है, सारा जो सामने नज़र आता है वो दिखता है। सारा का सारा सिस्टम जो है आप अपने हाथ में रखो और खाली जो है मेरा और मेरा और मेरा ही काम हो, दूसरों को मार दो, ख़त्म कर दो, उसके ऊपर जब आप तुले हुए हो तो जनता नज़र नहीं आती क्या? जनता ने देखा हुआ है, आपका कार्यकाल भी देखा हुआ है 10 साल का, क्या करा था, कहाँ से कहाँ कांग्रेस को 67 से लाकर बिल्कुल ही तले पे लगा दिया। तो ये हालात ठीक नहीं। कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं आप? अब छोड़िए ना, ये फैसला लेना नहीं लेना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो प्रभु करवाएंगे वो प्रभु इच्छा। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के दिन कांग्रेस भारी बहुमत से जीत के निकल सकती थी अगर ये टिकटों का वितरण सही होता, अगर ये बावरिया जी ने भी सही काम करा होता, एक तरफा नहीं कि ये सारी बात करी होती, तो ये हालात नहीं होने थे। हमारे ऊपर तो कोई लांछन नहीं है, ईडी के, सीएलयू के बड़े बड़े जो केसेस हैं, पता नहीं हजारों हजारों करोड़ों रुपए के केस हैं, सारे के सारी ज़मीनें हड़पने के और पता नहीं क्या क्या, हमने तो ये काम नहीं करा है। पर आप जो है खाली और केवल अपने जो हैं, जो आपके दंड मस्तक हो सकते हैं, जिनको जो है अपना जो है आपके नीचे लग के काम कर सकते हैं उन्हीं को आप चाहते हो, तो ऐसे तो काम नहीं चलता ना भैया। आप सोनीपत जो जो अपना गढ़ बोलते हैं जहाँ पर, वहाँ पर घसीट घसीट के आप जो है जीत के आए हो। पिछली बार तो लोगों ने हरा ही दिया था, इस बारी भी ये क्या जीत है? पार्लियामेंट के अंदर 20-25 हज़ार जो है वो जीत नहीं मानी जाती, सच्चाई है। तो सामने तो आ ही गया, सामने दिख रहा है, नज़र आ रहा है क्या होने वाला। शैलजा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, सटीक उनकी वाणी है, ईमानदार छवि की महिलाएं हैं, कर्मठ हैं, काम करने वाली है, कोई लांछन उसके ऊपर नहीं है और बेदाग छवि होने के नाते निडर है और काम करने वाली है। इसलिए जो है वो भी मेरी तरह से जो है निडर होकर अपनी सारी बात रखती हैं और जो कहती हैं वो बिल्कुल सही बात है, और क्यों नहीं, एक महिला होने के नाते उन्होंने तो बहुत करा है। आज जो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाकर रोज सुबह शाम जो सोते हैं ये भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। अगर कोई लायक मुख्यमंत्री बनना हो कांग्रेस का, तो मैं समझती हूँ उससे उससे बढ़कर और उससे बेहतर कोई है ही नहीं।
तो सुना आपने किरण चौधरी को, किरण चौधरी जो लगातार लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी के टिकट कटने के बाद से नाराज चली आ रही हैं, और ऐसे में उनका जो लोकसभा चुनाव से पहले का गुस्सा है जो अंदर दबा हुआ था वो अब एक बड़े बम विस्फोट के रूप में फूट कर निकला है, और गुस्सा भी इस कदर, भड़ास भी इस कदर निकल रही है कि किरण चौधरी ने खुल्लम खुल्ला बगावत कर डाली है और ऐसे बोल बोल दिए जो शायद ही कांग्रेस नेताओं को रास आने वाले। यानी कि एक तौर से देखा जाए जो किरण चौधरी पहले ही कांग्रेस के कई नेताओं को खटक रही थी, अब कहीं ना कहीं वो उनकी आंख का एक चुभता हुआ रोड़ा बन चुकी है, स्पष्ट तौर पर, खुले तौर पर। किरण चौधरी ने बिना नाम लिए हुड्डा गुट पर यह आरोप लगा दिए कि लोकसभा चुनाव में एक तरफा टिकट वितरण करके दूसरे धड़ों को, दूसरे नेताओं को मार दो, खत्म कर दो, ये राजनीति जो है नहीं चलती, जनता सब देख रही। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा चुनाव तक का नाम लेते हुए यह कह डाला कि कुछ लोग जो है हर विधानसभा क्षेत्र में, हरियाणा प्रदेश के सभी हलकों में 5 से 7 ऐसे लोगों को थापी मारकर उठाए घूम रहे हैं, सभी को जो थापी मारकर ये कह रहे हैं कि तुम भी विधायक हो, तुम भी एमएलए हो, तुम भी एमएलए हो, यानी कि हर हलके में 5 से 7 ऐसे नेता खड़े कर रखे हैं, थापी मार नेता खड़े कर रखे हैं जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी परेशानी और एक बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं, क्योंकि यही नेता जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का कारण भी बनेंगे। इनमें से एक को ही पार्टी टिकट देगी तो अन्य नेताओं की तरफ से बगावत होना लाजमी है। और साथ ही किरण चौधरी ने यह भी बोल दिया कि मुझे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कोई भविष्य हरियाणा प्रदेश में नजर नहीं आ रहा है। और इन्हीं सब बातों के बाद से लगातार अब यह चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि किरण चौधरी भाजपा में जा सकती हैं, किरण चौधरी कांग्रेस को बड़ा झटका हरियाणा प्रदेश में दे सकती है खुद, और अपनी बेटी श्रुति चौधरी को लेकर बीजेपी में शामिल हो सकती है, बीजेपी से जो आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और खास बात देखने को मिली, जब सवाल किया गया कि अब किरण चौधरी कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं, उसका उन्होंने क्या कुछ जो है जवाब दिया, पहले वो सुन लीजिए। छोड़िए ना, ये फैसला लेना नहीं लेना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो प्रभु करवाएंगे वो प्रभु इच्छा। छोड़िए ना, ये फैसला लेना नहीं लेना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो प्रभु करवाएंगे वो प्रभु इच्छा। तो सुन लिया आपने किरण चौधरी को, उन्होंने पार्टी बदलने की बात से या फिर कोई बड़ा फैसला लेने की बात से इनकार भी नहीं किया, तो साथ ही हामी भी नहीं भरी, लेकिन एक इशारा उन्होंने जरूर कर दिया कि अब ये बात जो है राम भरोसे है, जो ईश्वर चाहेंगे, जो प्रभु चाहेंगे वही होगा। यानी कि किस मन के किसी न किसी कोने में विचार मंथन और समीक्षा जरूर चल रही किरण चौधरी के, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या पार्टी बदल लेनी चाहिए, क्या कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लेना चाहिए, क्या यह सही समय है, वगैरह वगैरह कई सवाल जरूर दौड़ रहे होंगे। और कहना कि इसी के बाद से अब राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई है, चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है कि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ सकती हैं, बहुत जल्द कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश में बड़ा झटका जो है लग सकता है किरण चौधरी के रूप में, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले से लगातार किरण चौधरी नाराज चली आ रही है। हालांकि रावदान सिंह ने अपनी हार का भी पूरा ठीकरा किरण चौधरी के सिर पर फोड़ा, तो ऐसे में किरण चौधरी अब सभी बातों का एक एक करके जवाब देती हुई, मुंह तोड़ जवाब देती हुई भी नजर आ रही है। उनका गुस्सा, उनकी जो पूरी भड़ास है जो लोकसभा चुनाव के पहले से वो अपने मन में दबाए बैठी थी, अब कहीं ना कहीं वो बारिश बनकर हुड्डा गुट के ऊपर बरसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि किरण चौधरी जिन्होंने खुल्लम खुला बगावत करती है, अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जमकर और खुलकर बोलती हुई नजर आ रही है, और किरण चौधरी का ये कहना कि मुझे हरियाणा में कांग्रेस का कोई भी भविष्य नजर नहीं आ रहा है, यानी कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, यह किरण चौधरी का कहना है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, कमेंट अपने राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हूं प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।